मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ हौसला था। कोई ग्राउंड भी नहीं था, खेल का सामान भी जुटाना मुश्किल था। हाथ में सिर्फ लॉन बॉल था। पक्का इरादा बनाया कि कुछ अलग करना है। रिजल्ट सामने है। आज मैं बेहद खुश हूँ। पति से लेकर हर किसी का साथ मिला। सबसे सुकून देने वाली बात यह है कि खेल जगत के प्रति सरकार जागी है। अब खेलने कूदने वाले के लिए झारखंड में मौका ही मौका है। झारखंड में खेल जगत के कई मेडल जीतकर पूरी दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है। ऐसा कोई खेल नहीं जिसके खिलाड़ी झारखंड से ना निकलते हों। फुटबॉल टीम में तो झारखंड से 6 खिलाड़ी ने जगह पाई है। गौरव की बात यह है कि कप्तान भी झारखंड की है। ये कहना है लॉन बॉल में गोल्ड मेडल झटकने वाली रूपा रानी का। जेसोवा दिवाली मेला द्वारा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड की नाज रूपा रानी मौजूद थी। खेल विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल की खासियत और मकसद बता गई गोल्ड मेडलिस्ट रूपा रानी। वहीं जेसोवा की ट्रेजर डॉक्टर स्टीफी मुर्मू दिवाली मेला के पीछे के मकसद और जेसोवा द्वारा किए जा रहे काम के बारे में बता गई। 5 दिन के इस दिवाली मेला में करीब 300 स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में दूर दूर राज्य से आए लोगों ने स्टॉल लगाए हैं। राजधानी सेंट्रल जेल के कैदियों द्वारा तैयार उत्पाद उनके हुनर को झलका रहे हैं। पूरे मेला परिसर में अजब सा नजारा है। लोगों में अजीब सी खुशियां हैं। मेला में ऐसे कई स्टॉल लगाए गए हैं जो भीड़ खींच रही है। सुने क्या बोली लॉन बॉल में गोल्ड मेडलिस्ट रूपा रानी, जेसोवा की ट्रेजर डॉक्टर स्टीफी मुर्मू और स्टॉल लगाने वाले लोग। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया। आपने लॉन बॉल ही क्यों चूज किया? मैं इंडिविजुअल गेम में जाना चाहती थी, इसलिए मैंने लॉन बॉल यूज किया। मैंने 2007 से अपनी जर्नी शुरुआत की थी। जब लॉन बॉल यहाँ झारखंड में आया था, उस समय हॉकी स्टेडियम जो है एस्ट्रोटर्फ मोरहाबादी, वहाँ पर इसका प्रैक्टिस होता था, तो वहीं पर से हमने हॉकी के मैदान से इसको शुरू किया था। मैम, जब आप प्रिपरेशन कर रही थी लॉन बॉल का, तो आपको सारा रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते थे? बिल्कुल नहीं, हमें रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे, क्योंकि ग्राउंड भी नहीं था उस समय झारखंड के पास में, और जो इक्विपमेंट्स होना चाहिए था वो नहीं था, लेकिन सिर्फ हमारे पास बॉल थे, तो उसी बॉल को आधार मानकर हमने प्रैक्टिस शुरू किया था। जब कॉमनवेल्थ गेम होने वाला था, न्यूली मैरिड, तो आपके हस्बैंड ने कितना सपोर्ट किया है? आप सच में, इसी साल मेरी जनवरी में शादी हुई थी, और शादी के एक महीने के बाद मेरा बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली से लेटर आया था कि आपका सिलेक्शन हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं अपने खेल को वापस कंटिन्यू कर सकती हूँ आफ्टर कोविड के बाद, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया और बोला कि तुम पहले करती थी, अभी भी करो, हो सके तो आगे अच्छा होगा। झारखंड और झारखंड की जो बच्चियाँ हैं, महिलाएँ, बहुत आगे तक जा चुकी हैं। कॉमनवेल्थ में गोल्ड आना, अभी एशियन अंडर 18 एशियन चैम्पियनशिप जो था एथलेटिक्स का, उसमें गोल्ड आया। उसके बाद अभी महिला में फुटबॉल की टीम में 6 लड़कियां झारखंड से होना, उसके साथ में यहीं की खिलाड़ी का कैप्टन बनना, अपने आप में झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है और बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज यहाँ जसोवा मेले में, उस बढ़ावा में ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आज पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद विभाग की तरफ से खेल का स्पोर्ट्स लगाया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न स्पोर्ट्स के एकदम इक्विपमेंट्स जो हाई लेवल तक हैं, लाखों के सामान हैं, वो भी यहाँ पर हैं। 2 प्रकार के राइफल रखे हुए, ये देखिए, इसकी कीमत ही 2 से 3 लाख में मिलती है। ये बहुत ही मेले में इतना एक्सपेंसिव लाया गया है ताकि लोगों का जो झुकाव हो स्पोर्ट्स की तरफ हो। दिग्गज कोच लोग जो हैं वो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं स्पोर्ट्स। नेशनल गेम्स तक होता है, सब ये फॉरेन का है। 2002 में इसकी स्थापना हुई, झारखंड आईएएस वाइफ एसोसिएशन, और जितने भी आईएएस ऑफिसर्स की वाइफ है, हम लोगों ने मिलकर के एक एनजीओ बनाया, जिसमें हमारा मुख्य काम है चैरिटी का काम करना। इस मेले से जो भी हमें फंड आता है, उस फंड को हम लोग फिर चैरिटी के काम में सालों भर लगाते हैं। आंगनवाड़ी अडॉप्ट किया है, फिर थैलेसीमिया के पेशेंट को हम लोग इलाज करा रहे हैं, साथ ही साथ एमबीए के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, और एमबीए और मेडिकल की भी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को, एसिड विक्टिम थी उनको भी हम लोगों ने हेल्प किया, और जो शहीद हो गए हैं उनकी वाइफ्स को, उनकी फैमिलियों को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा हमारा सालों भर काम चलता रहता है चैरिटी का। मधुबनी पेंटिंग है, इसका खासियत क्या है? देखिए, ये जो पेंटिंग है ना, ये परंपरा है, और परंपरा हम कहेंगे किसे, ये आजकल केमिकल कलर बहुत है मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है केमिकल कलर पे,
और ये जो कलर है ऑर्गेनिक है, ये फूल और पत्तों और कुछ वेजिटेबल से भी बनाया जाता है। पहले जब ये बहुत ऐसा चीज़ था जो पहले धीरे धीरे जब डेवलप हुआ मानव का, उस टाइम में लोग शादी ब्याह या कोई खुशी पर्व में या कोई पार्टी में ये दीवार पे लोग बनाया करते थे। उस टाइम में कोई पोस्टर वगैरह या डेकोरेट की सामान नहीं था, उस टाइम से ये परंपरा प्रचलित है। मैम हमारे पास 150 रुपये से लेकर और अभी फिलहाल 5 लाख 6 लाख तक का पेंटिंग है। पेंटिंग को बनाने में हमारा सबसे ज़्यादा समय खर्चा होता है, 20 इंच बाय 30 इंच को पेंटिंग तैयार करने में मिनिमम 2 दिन में भी बन जाता है और 2 महीने में भी बनता है। इस फ्रूट का नाम क्या है? इस फ्रूट का नाम ड्रैगन फ्रूट है। ये बाहर देश में उगाया जाता है पर इस बार खूंटी में भी उगाया जा रहा है। अच्छा लगता है, कोई कोई का रंग व्हाइट रहता है फिर किसी का पिंक रहता है। ये 2-3 साल में फलता है। एक हमारा एक मैप है, ठीक है। इस मैप में क्या है, अगर कोई जू फर्स्ट टाइम घूमने आता है तो उसे कहाँ कहाँ पे कौन से एनिमल्स है उसे पता चल जाएगा कि किस जगह पे, तो वो घूम सकता है, ठीक है। अगर घूमते घूमते एनिमल पसंद आ गया उसे तो वो एडॉप्ट कर सकता है एनिमल्स को। तो ये एडॉप्शन प्रोग्राम्स में है। एडॉप्शन प्रोग्राम्स में कौन कौन से एनिमल्स को क्या है उसके बारे में, जैसा इसमें दिखाया गया कि SBI ने, CCL ने और NTPC ने इन सारे एनिमल्स को एडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर झारखंड में सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क ओपन होने वाला है, जो अभी टाइम है वो इसमें दिया हुआ है इसके बारे में कि कौन कौन से बटरफ्लाई ओपन होने वाले हैं। और झारखंड का सबसे बड़ा बटरफ्लाई ये ब्लू मॉर्मोन है जो वहाँ पे पाया जाता है। क्योंकि ये सब जितने प्रोडक्ट हैं ना वो आपको बिरसा मुंडा जेल हुतवार में कैदियों के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पे एक नहीं मोर देन 100 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट है जो लेडीज लोग बनाती हैं, महिला कैदी, एंड कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि जेंट्स लोग बनाते हैं। कंबल हो गया, बेडशीट हो गया, बेडशीट में डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट, सरसों तेल वगैरह हो गया, एंड दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया। आप इनका प्रोडक्ट खरीदिएगा, ये जो इनका ये पैसा है वो आपको कैदी कल्याण कोष में जाएगा। कोराम लाइव के लिए कैमरा पर्सन नंदिनी के साथ सीनियर जर्नलिस्ट आरती गुप्ता की रिपोर्ट।